हेलो सो गाइज़, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं, और वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में हज़ारों प्रकार के इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कुछ चंद इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि आपको अच्छा खासा ट्रेड लेने के लिए हेल्प कर सकता है, और उस इंडिकेटर का आप यूज़ भी कर सकते हो। तो गाइस, एक ऐसा ही इंडिकेटर है जो कि आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्पैरिटी इंडेक्स। तो ये इंडिकेटर किस तरह से आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, और किस तरह से आप इनके थ्रू एक बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए। तो गाइस, हम आ चुके हैं सीधे एशियन पेंट कंपनी के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर डे कैंडल को लगाया हुआ है। डे कैंडल इसीलिए हमने लगाया है क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए। अगर आप इनमें इनके थ्रू इंट्राडे करना चाहते हो तो आप 15 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हो और 10 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हो। तो गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले इस इंडिकेटर को लगाते हैं। लगाने की प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि चार्ट के ऊपर इसको किस तरह से लगाया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो इंडिकेटर है, यानी कि डिस्पैरिटी इंडेक्स, ये जो इंडिकेटर है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और मार्केट में जितने भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं वो एक बड़ा ट्रेंड होता है। देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड चला था और यहाँ जाके ख़त्म हुआ था। इस तरह के जो बड़े ट्रेंड होते हैं, इनको कैप्चर करने में आपका बहुत ही हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनको लगा लेते हैं। इनको लगाने के लिए यहाँ पर एक स्टडीज़ का आइकॉन आपको दिखाई पड़ रहा है। गाइस, ये हमारा ज़ीरोधा का अकाउंट है। अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं खुलवाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमने ज़ीरोधा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कि यहाँ पर स्टडीज़ का आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देने का है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये वाला स्टडीज़ का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर हमें नीचे जाने का है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो डिस्पैरिटी, तो ये इंडेक्स आपको दिख जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर ये हमें इंडिकेटर हमें दिखाई पड़ रहा है, एग्जैक्टली डॉन्ची चैनल का जो इंडिकेटर है, यहाँ पर ये इंडिकेटर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देने का है। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखिए, तो ये इंडिकेटर हमारा यहाँ पर लग गया है। लेकिन हम यहाँ पर इनका कुछ सेटिंग्स भी है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको सेटिंग्स में जाकर कौन सी सेटिंग करने का है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर चले गए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें दिखा रहा है पीरियड। ये पीरियड में हमें 14 ही रखने का है क्योंकि ये 14 डे की मूविंग एवरेज है। इसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फील्ड लिखा हुआ आ रहा है। फील्ड में आप देखिए क्लोज ही रखने का है। देखिए, आप किसी भी स्टॉक को देखते हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है, एक तो ओपन होती है और क्लोज होती है। इसकी हाई प्राइस होती है, लो प्राइस होती है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो सारी यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए, तो हमें यहाँ पर क्लोज ही रखने का है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही ये हमें कैलकुलेट करके देगा। इसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आ रही है, ये 14 डे कुछ नहीं है लेकिन ये मूविंग एवरेज ही है, और यहाँ पर आप कौन से मूविंग एवरेज रखना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए, आप सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखना चाहते हो तो भी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी रख सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद नीचे यहाँ पर रिजल्ट में आप कलर चाहते हो तो कलर अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। हम यहाँ पर हमारा जो ये चार्ट है वो यहाँ पर वाइट चार्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर ब्लैक ही रखेंगे, क्योंकि ब्लैक रखेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद नीचे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमें वही रखने का है। इसके बाद यहाँ पर नीचे का जो सेटिंग है इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने का। तो हम चले जाते हैं अब यहाँ पर डन करके सीधे चार्ट के ऊपर। तो देखिए, हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ गए हैं,
और ये इंडिकेटर में आप देखोगे तो एक बीच में यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है। देखिए ये वाली लाइन में आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगी। ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन है ना, ये तो ये जो लाइन है ना वो एक की लाइन है। ये जो इंडिकेटर है ब्लैक कलर की लाइन में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये RSI जैसा, ये हमारा डिस्पैरिटी इंडेक्स है। और इसके नीचे यहाँ पर एक लाइन दिखाई पड़ रही है, ये वाली लाइन, ये वन की लाइन है। इंडिकेटर जब भी सरकता है तो ये वन से ऊपर जाता है पॉजिटिव में, यानी कि ये 1.25, 1.45, 1.50 इस तरह से जाता है। अगर नीचे की ओर आता है तो ये माइनस में आता है। इस बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। देखें इसके बाद क्या होता है, अगर हमें ट्रेड लेने का है तो ये जो इंडिकेटर है यानी कि ये जो ब्लैक वाली लाइन, उनको क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर निकलता है यहाँ पर, तो हमें इसको बाय करने का है। यहाँ पर हमें गलती से भी सेल नहीं करने का। देखिए इसके बाद आप देखोगे, देखिए आप यहाँ पर देखोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक को क्रॉस करके ये ऊपर आता है तो हमें यहाँ पर बाय करने का है, सिंपल सा है। और जब भी ये एक को क्रॉस करके नीचे की ओर आता है, यानी कि ये जो प्राइस हमें दिखाई पड़ रहा है ये अभी 1.45 है, अभी ये नीचे आ जाए, एक के नीचे यानी कि माइनस में चले जाए तो यहाँ पर हमें सेल कर देने का है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर देखिए इनको बाय कर सकते थे। इसके बाद आप देखोगे तो ट्रेंड देखिए कितना ज़बरदस्त आया। अब आप देखिए सेल कहाँ पर कर सकते थे, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। देखिए यहाँ पर आपको बाय करने का था, ये प्राइस आप देखोगे तो कौन सा था, यहाँ पर आप देखें ये प्राइस था 2750, तो आपको 2750 पे आपको बाय करने का था, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो ये जो प्राइस था यहाँ पर आपको सेल कर देने का था, ये प्राइस के कितना था 3500 का। तो आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देखोगे ये जुलाई मंथ था और यहाँ पर आप देखोगे तो ये अगस्त का टाइम है, तो आप 2 महीने में ही बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमा सकते थे। और ये जो रिटर्न की आप बात कर रहे हैं वो 30 से 35% के आसपास रिटर्न आप इस इंडिकेटर के थ्रू आराम से आप ले सकते थे। तो गाइस ये जो इंडिकेटर है यानी कि डिस्पैरिटी इंडेक्स का जो इंडिकेटर है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, और जितने भी लैगिंग इंडिकेटर होते वो आपको सिग्नल बाद में देते, थोड़ा सा लेट सिग्नल देते। तो आप चाहो तो इनके साथ एक और इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो, तो हम यहाँ पर एक और इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। आप चाहो तो MACD का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो RSI का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो मूविंग एवरेज का ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को ही यूज़ करेंगे। तो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। लगाने के लिए आपको यहाँ पर स्टडीज़ में जाने का है। इसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको नीचे की साइड मूविंग एवरेज यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ये वाला मूविंग एवरेज आपको लगा लेने का है मनी फ्लो इंडेक्स के एग्जैक्टली नीचे। तो ये मूविंग एवरेज को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इनका सेटिंग्स पूछ लेते हैं कि सेटिंग्स में आपको क्या रखने का है। तो यहाँ पर हमें 50 डे ही रखने का है, यहाँ पर फील्ड में हमें क्लोज ही रखने का है। और ये टाइप्स जो है इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा मूविंग एवरेज है, सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, और भी काफ़ी ज़्यादा विद्या भी है, होल मूविंग एवरेज, वेरिएबल, टाइम सीरीज, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। तो हमें क्या करने का है, इसमें जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है सेकंड नंबर का, ये हमें ले लेने का है और इसके बाद कर देने का है डन। तो जैसे ही हम डन करोगे तो यहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये इंडिकेटर को आप देखिए, इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया था यहाँ पर बाय करने का, लेकिन हमें क्या मूविंग एवरेज ने सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज ने यहाँ पर दिया टाइम, यहाँ पर ट्रेंड कंफर्म होने के बाद, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली इनको बाय कर सकते थे। तो इस तरह से आप सेल को देखोगे तो यहाँ पर इस इंडिकेटर ने तो सिग्नल दे दिया था, लेकिन क्या मूविंग एवरेज ने हमें सिग्नल दिया, मूविंग एवरेज ने हमें सिग्नल नहीं दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर आप बेच के निकल भी सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि शेयर यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिर से भी ऊपर की ओर जाता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से आप दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करके मार्केट में एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।